सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। आज का हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको अश्विन लिमिटेड मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, और हमको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला और कैलकुलेशन करना है हमको करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड, वर्किंग कैपिटल, टोटल फंड एम्प्लॉयड, सिक्योर्ड लोन, ओल्ड फंड या ओन फंड या प्रोप्राइटर्स फंड। तो इनका हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि कितना अमाउंट आएगा। फॉर्मेट हम बना लेंगे, तीन अमाउंट का कॉलम आएगा और एक पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपको लिखना है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो फर्स्ट आप लिखोगे प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड में आपको फर्स्ट लिखना होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे लिख लोगे अमाउंट, सेकंड कॉलम में आएगा। आप उसमें ऐड करोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब क्वेश्चंस में आपको कैपिटल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। तो ये सारे रिजर्व्स आप लिख लोगे, अमाउंट जो है फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, टोटल करोगे और सेकेंड कॉलम में अमाउंट लेके जाओगे। सेकेंड कॉलम में जब आप अमाउंट लेके जाओगे, तो आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल में रिजर्व्स जो है वो ऐड करके एग्जैक्टली आपको सेकेंड कॉलम में ही रिजर्व्स के नीचे लिखना है। तो आपको टोटल मिल जाएगा जो है 8,55,187। उसमें से आपको लेस करना है लॉसेस, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स आपको दिए रहेंगे, जो आपको दिया है मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स हमेशा आपको एसेट्स में दिया रहता है लास्ट में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और लेस कर देना। आप 8,55,187 से मिसलिनियस एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, अमाउंट आपको थर्ड कॉलम में लेके जाना है। तो ये आपको 8,53,637 जो है वो प्रोप्राइटर्स फंड मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आएगा सोर्सेस ऑफ फंड का, वो है लोन्स फंड। लोन्स फंड में आपको डिबेंचर्स दिया रहेगा या लॉन्ग टर्म लोन अगर बोला है, तो आपको यहाँ पे लोन्स फंड में लिखना होता है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर्स दिया है और डिबेंचर्स बोला है 5%, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। और ये अकेला है, इसलिए इसकी एंट्री का जो अमाउंट रहेगा वो डायरेक्टली थर्ड कॉलम में आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप टोटल करोगे, तो टोटल आपको मिल जाएगा 10,11,137। उसके बाद आपको सोर्सेस ऑफ फंड हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, तो आप लिखोगे एप्लीकेशंस ऑफ फंड। अब एप्लीकेशंस ऑफ फंड जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, जहाँ पे आपको पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो आपको जो है फिक्स्ड एसेट्स में लिखना है। इसका अमाउंट जो है आपको सेकेंड कॉलम में लिखना होता है। उसके बाद आप इन सबका टोटल करोगे और अमाउंट जो है थर्ड कॉलम में लेके जाओगे। फर्स्ट पार्ट हो गया फिक्स्ड एसेट्स का, सेकंड पार्ट आएगा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में बोला है 3% जीपी नोट्स, तो आपको वो लिखना है और अमाउंट थर्ड कॉलम में डायरेक्टली लिखना है। अगर दो दिया होता इन्वेस्टमेंट, तो आप सेकंड कॉलम में अमाउंट लिखते और उनका टोटल लेके फिर थर्ड कॉलम में लिखते। बट यहाँ पे आपको अकेले जीपी नोट्स दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो आप डायरेक्टली अमाउंट जो है थर्ड कॉलम में लिखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट एसेट्स आपको एसेट साइड में ही दिख जाएगा, तो आप वहाँ से करेंट एसेट्स लिख लोगे। अब करेंट एसेट्स में आपको दिया है इन्वेंट्री, डेप्टर्स, बैंक और एडवांस टैक्स, तो आप ये सारा लिख लोगे करेंट एसेट्स में। अगर आप इसको क्लासिफाई करने जाओगे करंट एसेट्स को, तो आप क्लासिफाई कर सकते हो क्विक करंट एसेट्स में और नॉन क्विक करंट एसेट्स में। तो अगर आप क्विक एसेट्स में करते, तो आपको लेना रहता डेटर्स, बैंक और एडवांस टैक्स। ये आपका क्विक एसेट्स होता, जो इन्वेंट्री होता वो नॉन क्विक एसेट्स होता। ऐसे आप करंट एसेट्स का कैलकुलेशन कर लोगे, अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिख के और उसका अमाउंट टोटल करके सेकंड कॉलम में लेके जाओगे। अब करंट एसेट्स का अगर आपने एंट्री कर ली रहेगी, तो फिर आपको लुक करना है लेस करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज जो है वो आपको लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड में, तो आप वहाँ से लोगे। क्रेडिटर्स दिया है, प्रपोज डिविडेंड दिया और शॉर्ट टर्म लोन्स दिया, ये तीनों जो है वो क्या है, क्विक लाइबिलिटी है। इसमें नॉन क्विक लाइबिलिटी आया ही नहीं है। नॉन क्विक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रह सकता है, मोस्टली दिया ही होता है, बट ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्विक लाइबिलिटी लिखेंगे। अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और सेकंड कॉलम में अमाउंट लेके जाओगे। सेकंड कॉलम में अमाउंट आने के बाद आपको जो है
करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करना है। माइनस करने के बाद आप थर्ड कॉलम में अमाउंट लेके जाओगे जो कि मिल जाएगा 371,767। आप इसका टोटल ले लोगे तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल रहेगा और जो सोर्सेस ऑफ फंड का टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम है तो आपका सम जो है वो करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो आप फिर से चेक करो आपने कहाँ पे गलत पोस्टिंग की हुई है। अब आगे आपको कैलकुलेशन बोला था करंट एसेट्स का, तो करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट किया है, इन्वेंट्री, डेप्टर्स, बैंक, एडवांस टैक्स सबको ऐड कर दिए, तो आपको सेकंड कॉलम में अमाउंट मिला था 5,45,667। ये आपका करंट एसेट्स का अमाउंट है। लेकिन अगर आपको बोला है क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक आपको दिया था 5,45,667 में से 1,96,770 क्या करोगे, लेस कर दोगे तो आपको क्विक एसेट्स मिल जाएगा। अब फिक्टिशियस एसेट्स बोला है तो आपने सोर्सेस ऑफ फंड में लिखा है लेस लॉसेस करके, तो जो यहाँ पे आपने लॉसेस लिखा था वही आपका फिक्टिशियस है, तो फिक्टिशियस का अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹1,550। नेक्स्ट क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो फिक्स्ड एसेट्स भी आपने कैलकुलेशन किया हुआ सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो आपको मिला टोटल 5,67,970, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया है। नेक्स्ट बोला है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला हुआ है, तो आपको कितना मिला है प्रोप्राइटर्स फंड, 8,53,637। वर्किंग कैपिटल का भी आपने कैलकुलेशन किया है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो आपका अमाउंट मिला है 3,71,767। अब टोटल फंड एम्प्लॉयड बोला है, तो टोटल फंड एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जो आपका टैली अमाउंट है वो, तो आपका टोटल अमाउंट दिया है 10,11,137। नेक्स्ट बोला है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है, लोन्स फंड। अब लोन्स फंड में आपने क्या क्या लिखा था, सिर्फ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स का अमाउंट आप क्या करोगे, सिक्योर्ड लोन्स में बता दोगे। नेक्स्ट क्या बोला, ओव्ड फंड्स मतलब कि लोन्स फंड मतलब डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, तो डिबेंचर्स की वैल्यू जो है वो 1,57,500 ही है। सिक्योर्ड लोन्स और ओव्ड फंड दोनों की वैल्यू अलग हो सकती है अगर उसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता तो, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है तो हमारा अमाउंट क्या है, सेम है। थैंक यू।